पी रहे हैं नारियल पानी। थी मिले यहाँ पर कर्नाटका तेलंगाना स्टेशन पहुँच गए। आकाश खेलने की प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। पूरा ऐसी तरी बन जाती यहाँ पे। एक डॉगी हमारे पास, ये काटता रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। और यहाँ आकर बिल्कुल वॉइस ना, हमारी आवाज़ ना बिल्कुल बदली पड़ी है थकान से। और बस भी नहीं खड़ी, मुझे लगा बस खड़ी होगी। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमें घर जाना है, वापसी ट्रेन है हमारी शाम की, मतलब रात की ट्रेन है। पर देखते हैं, अभी पता करते हैं कि कितने बजे यहाँ से निकलना है, कितने बजे स्टेशन पहुँचना है, क्या सीन है। तो मतलब लास्ट डे है आज, एंजॉय करने वाला तो हाल है नहीं, ऑलरेडी थके पड़े हैं। पर यार मस्ती जरूर करेंगे, इंजॉय घूमेंगे नहीं, मस्ती करेंगे, इंजॉय भी करोगे यार। हाँ वही मस्ती इंजॉय बैठ कर करेंगे, जा रहे हैं कहीं जाना नहीं है, या फिर मार्केट चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बस यहाँ बस खड़ी होती है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कभी कभी, और आज तो वो भी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा इतनी दूर। क्या कह रहे हो तुम बताओ ना नहीं सोनम को हम बहुत मिस करने वाले हैं, और सॉरी सोनम अगर मेरे वजह से कुछ भी बोला तो मैं कुछ भी हर्ट हुआ है तो नहीं नहीं हर्ट थी हुआ पागल मज़ा आया साथ में, बल्कि तुम्हारे स्टॉल लग गए, वरना हमने पता कल बहुत मस्ती करी थी हम तीनों ने। ब्लॉग में देखना है, पहले अगर यहाँ नहीं आते तो कभी मिलते हम नहीं। वही ना, बहुत लोगों से, नए लोगों से मिलने का मौका मिला है। मेरा एक्सपीरियंस पूछा है इसने कि यहाँ आने का क्या रहा, क्या बेस्ट एक्सपीरियंस। तो मेरा पता क्या रहा कि हम लोगों को ना लगता है कि दुनिया में ना बहुत गंदे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे हैं, और बहुत टाइप्स की, हाँ सपोर्ट वाले नहीं है या कुछ भी। बट हम लोगों को ना यहाँ आके पता चला है कि बहुत से अच्छे लोग भी है दुनिया में, है ना। मतलब मिले, बात करी, बहुत अच्छा लगा, पता चला, ये रहा मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक। पता नहीं आता यहाँ, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें यहाँ पे बाउल वगैरह नहीं देते, ये पूरा ऐसे तरी बन जाती है पूरी प्लेट में, है ना। कूट कूट के टैलेंट भरा है यहाँ के लोगों में, इंडिया में तो है टैलेंट की कमी नहीं। यहाँ एक भैया मिले, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैंने कहा थोड़ा सा सॉन्ग सुना दो, फिर उन्होंने सुनाया, पंजाब से है, चंडीगढ़ पंजाब साइड से, तो बहुत अच्छी आवाज़ थी, अच्छा लगा। पर हर स्टेट से लोग आए हैं ना, तो बहुत अच्छा टैलेंट है लोगों में, सिंगिंग, डांसिंग, भांगड़ा, मतलब बहुत 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 टैलेंट है, बहुत कुछ देखने को मिला यहाँ पे हमें। देखो ये बादाम है, ये कच्चा बादाम है, कच्चा बादाम, गाना तो सुना है ना, कच्चा बादाम।
सुना है ना गाना कच्चा बदम इसका कहना है कि इसमें से भी ये टूटेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, तो इसे ले जाते हैं घर खाएंगे, है ना। हाँ। आप और भी लाए हो? नहीं, पेड़ से तोड़ के फिर हमारी ट्रेन है 5-6 बजे, हमें यहाँ से निकलना है। सो गाइस, प्रिंस बेहल नाम है इनका, है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे कर्नाटका में मिले और मैंने इनकी वीडियोस वगैरह देखी है। इनका अकाउंट है कितने फॉलोवर्स है? 341K। तो बहुत अच्छा लगा, नेचर भी बहुत अच्छा है, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं। हाँ, तो इतने ही मिले यहाँ पर कर्नाटका। मैं वेख के एकदम ना शौक हो गई सी कि मैं कितने देख के आया, क्योंकि रील्स हमारे यहाँ ना आपकी बहुत वायरल होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी रील्स मैंने जैसे लोगों की स्टोरी में भी देखा है। तो आपको मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, जैसे कि इनका नेचर बहुत अच्छा था, मिले वीडियोस बनाने के लिए। वेट किया इन्होंने कि मैं अभी तैयार हो रहा था, मेरे को कहते आप आ जाओ, मेरी ट्रेन है 4 बजे की, मगर हमें वीडियोस बना के जानी है। तो काफ़ी अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अभी एक वीडियो रह गई हमारी, अभी हम वो शूट करने जा रहे हैं, यहाँ पर इंस्टा पे दिखेगी आपको। इतने ठीक, ये मेरी चुन्नी खींच रहा, जाने दे रहा। गाइस ये बैग पड़ा है, ये मैं हूँ और मैं जा रही हूँ हुगली के लिए, निकल गई हूँ। लेट हो गए थे, बल्कि हमें 5 बजे निकलना था, 5:30 हो गए हैं, क्योंकि वहाँ जाके अभी हमें देखना है थोड़ा सा स्टेशन पे। तो बस पे हूँ अभी, बाय बाय। इस हमारा किसी का जाने का मन नहीं कर रहा, हम सोच रहे हैं ट्रेन की टिकट कैंसिल करा के वापस चलते हैं। चले चले, इन्हें हिंदी समझ नहीं आती, सिर्फ उन्हें आती है। मुझे हिंदी समझ में आता है, हिंदी समझ में आता है ना। हाँ। वही कह रही है, वापिस चले यूनिवर्सिटी, चलो चले दूसरी बस लेके जाएंगे। दूसरी बस नहीं, इसी वापिस मुड़वा लेते हैं ना। हाँ। 10 दिन यहाँ पे हम होके गोवा भी नहीं गए हम। हाँ? गोवा चलो, हम दोनों मिलकर। मुझे तेलुगु सुन, क्या तेलुगु सिखा रहे हैं ना। कैसे हो? नमस्कारम। नमस्कारम मींस व्हिच मींस ग्रीटिंग्स टू अदर्स। Okay. नमस्कारम। तेलुगु सीख रही हूँ मैं। और कैसे हो? एला उनारू। और यू कैन स्पीक हिंदी, आई कैन। फाइन फाइन। बागुनानू। ओके। और कहाँ से हो? मेको सारा भूल गया मैंने ये रखी है वीडियो, मैं याद करूंगी घर जाके। तेलुगु में आप क्या है ना, मैं पूछूं? नमस्कारम। तेला उनारू। येला उनारू। खाना खाया? खाना खाया। तिन्नारा। ओके, थैंक यू इतना सिखाने के लिए। सभी आंध्र वाला, तेलंगाना। ओके ओके, आंध्र प्रदेश को आ जाओ, अभी तो मिल रहे हैं हम, नो प्रॉब्लम, लेके आएंगे, जब आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। स्टेशन पहुंच गए हम लोग, बहुत बैग हो रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रही हूँ मैं, थक गई बहुत ज़्यादा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 है गाइस और मैं यही खड़ी हूँ। अभी हमारी ट्रेन को आने में टाइम है, बट हमें थोड़ा एक टिकट का देखना था, तो हम यहाँ पर खड़े हैं। और पर मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर थक गए हैं तो मज़ा भी बहुत आया, फ्रेंड्स साथ में रहे, न्यू फ्रेंड्स बने, मतलब बहुत इन्जॉय करा। तो मन नहीं कर रहा, मैंने पापा को फ़ोन करके कहा, पापा मेरा मन नहीं कर रहा आने का, तो पापा बोले तू आ जा, हम उदास हुए पड़े हैं, तू आ जा बेटा आ जा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो 18 डेट को ट्रेन से आऊँ, तो फिर आगे और मन करेगा रुकने का, तो चलते हैं घर ही।
तो मैं यहाँ पर स्टेशन पे हूँ और मुझे भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो खा के चलते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन अभी लेट है, 8 बज रहे हैं और 9:30 के बाद की ट्रेन है। ट्रेन में बैठ गए हम लोग और यहाँ ताश खेलने की प्लानिंग चल रही है। आराम से खेलेंगे। अरे नहीं, रात सो रहे हैं अब, क्योंकि सोएंगे नहीं तो थक जाएंगे, ऐसे पूरा दिन खराब जाएगा।